साथियों, मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला, एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं उसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो।